पर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स बीजेपी को घेर रही है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आज आतिशी के बाद अरविंद केजरीवाल के दूसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज उनका ऑर्डर पढ़ने के लिए कैमरे के सामने आए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, ईडी की हिरासत में भी अरविंद केजरीवाल को लोगों की चिंता है। दिल्ली के अस्पतालों को लेकर अरविंद केजरीवाल चिंतित है। मोहल्ला क्लिनिक्स में मुफ्त टेस्ट न होने पर अरविंद केजरीवाल ने तुरंत एक्शन लेने को कहा है। आज बकायदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए, उनके हाथों में एक पर्चा भी था। हालांकि उस पर्चे में क्या अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर भी थे, चूंकि ये तो एक नोट था, और अगर वाकई में ये एक नोट जारी किया गया था और जेल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये नोट जारी किया था तो उसमें उनके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। खैर, उस A4 साइज के पेपर में ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था हमने पढ़ा तो नहीं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने पूरा पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मुफ्त दवाइयों को लेकर निर्देश दिया गया है। ये कहा है कि मुफ्त टेस्ट ना हो पाने की वजह से बड़ी समस्या आ रही है, ऐसे में इन तमाम निर्देशों का पालन किया जाए, दवाइयों का की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा जितने टेस्ट होते हैं वो टेस्ट होने चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें आम लोगों की चिंता अब भी सता रही है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए उसे दवा मिले। कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलके कार्रवाई करेंगे, और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। आज दिल्ली बीजेपी के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल सिरसा ने ईडी की हिरासत से आ रहे अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी को एक शिकायत भी भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को जो ऑर्डर दिखाया था वो गैर कानूनी है, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री कार्यालय का गलत इस्तेमाल कर रही है। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और
दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, आतिशी जी और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री का ऑफिस इलीगल तरीके से चलाने में, उसको हाईजैक करने में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इन सबको एक्सपोज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।